दोस्तों टैब्स का ट्रेंड वापस से धीरे धीरे आ रहा है। हर एक ब्रांड हर एक प्राइस कैटेगरी में अपनी एक टैबलेट लॉन्च कर रहा है। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्या एक टैबलेट एक लैपटॉप को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती। आपको अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग एक टैब प्रीफर करनी चाहिए या फिर एक लैपटॉप प्रीफर करना चाहिए, यही आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते फटाफट से दोस्तों वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक बार सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। टोटल 6 पॉइंट्स हैं, जो भी 6 पॉइंट्स में से ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करेगा वो विनर होगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है साइज। और इस मामले में आपको भी पता है टैबलेट्स इज द डायरेक्ट विनर। अब टैबलेट्स के अंदर दोस्तों कीबोर्ड नहीं होता है, उसके जो प्रोसेसर होते हैं वो काफी छोटे छोटे, बाकी के सभी पार्ट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और एक टैबलेट काफी कॉम्पैक्ट साइज का होता है। लैपटॉप वहीं पर काफी हैवी होता है, लैपटॉप के अंदर एक कीबोर्ड भी लगा होता है, अच्छा खासा माउस पैड भी होता है, एक स्क्रीन भी होती है बड़ी, तो लैपटॉप कैरी करने में पोर्टेबिलिटी में थोड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं होता है, लेकिन टैबलेट से वो बड़ा होता है और टैबलेट लैपटॉप के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। एक टैबलेट के अंदर दोस्तों जब हम जाएंगे तब हमको उसके अंदर मैक्सिमम पार्ट में बैटरी ही मिलेगी, क्योंकि उसके जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं वो काफी छोटे छोटे होते हैं, तो हम ज्यादा बैटरी उसके अंदर लगा सकते हैं। वहीं पर लैपटॉप के अंदर इसका जस्ट अपोजिट होता है। लैपटॉप के बाकी के कंपोनेंट्स, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड वगैरह वगैरह काफी बड़े बड़े होते हैं, उनको काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, इसलिए बैटरी के लिए काफी कम स्पेस रहता है लैपटॉप के अंदर। अब लैपटॉप के अंदर बैटरी की जगह कम है और टैबलेट के अंदर बैटरी की जगह ज्यादा है, तो जो बैटरी का बैकअप है वो भी आपको एक टैब के अंदर ज्यादा मिलेगा। अप्रोक्स एक एवरेज टैबलेट आपको आराम से 10 घंटे का बैकअप खुला खुला दे देगी। वहीं पर लैपटॉप आपको, एवरेज लैपटॉप की बात करें तो 5 से 6 घंटे का ही वो आपको बैकअप दे पाता है, तो बैटरी में भी, बैटरी बैकअप में भी टैब इज द विनर। अब टैबलेट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि उसको कॉम्पैक्ट बनाने के चक्कर में हम उसके अंदर लगाते हैं एसएसडी, और उस एसएसडी के अंदर हम इतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं डाल सकते। अगर ज्यादा स्टोरेज डालेंगे वो काफी महंगा भी हो जाएगा और काफी ज्यादा स्पेस भी लेगा, तो जनरली टैब्स के अंदर काफी कम स्टोरेज आपको मिलती है। लैपटॉप्स के अंदर इसका अपोजिट होता है, हम हार्ड ड्राइव लगाते हैं। जनरली एवरेज बजट के लैपटॉप्स के अंदर हार्ड ड्राइव मिलती है और मिनिमम 500 GB की हार्ड ड्राइव तो हर लैपटॉप में आपको मिल जाएगी। और वहीं पर टैब्स के अंदर एवरेज आपको 128 to 256 GB का ही स्टोरेज मिलेगा। और लैपटॉप्स के अंदर आप अपने स्टोरेज को अपग्रेड भी कर सकते हो बहुत ही आसानी से, SSD की जगह SSD लगा सकते हो और ज़्यादा बड़ी HDD लगा सकते हो, आपको खुली छूट मिलती है अपग्रेड करने की अपने स्टोरेज को। तो यहाँ पर स्टोरेज के मामले में लैपटॉप इज द विनर। वैसे तो दोस्तों आजकल टैब्स के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे प्रोसेसर आने लग गए हैं, लेकिन आज भी टैब्स लैपटॉप्स को बीट नहीं कर पाएंगी। अब जो लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर काफी बड़े बड़े कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि लैपटॉप के अंदर उसके प्रोसेसर को कूल करने के लिए फैन लगा होता है, टैब के अंदर कुछ भी नहीं लगा होता कूलिंग के लिए। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि लैपटॉप के परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा होती है एक टैब के कंपैरिजन में आज के टाइम पर। एक बंदा दोस्तों टैबलेट लेता है, एक बंदा सॉफ्टवेयर लेता है। मेन रीजन उसका होता है टैबलेट या फिर लैपटॉप पिक करने का, वो है सॉफ्टवेयर। टैब्स के अंदर मैक्सिमम नॉर्मल एंड्रॉयड टैब्स के अंदर आप केवल एंड्रॉयड के ऐप्स ही चला सकते हो, कुछ भी अलग सॉफ्टवेयर आप नहीं चला सकते। वहीं पर लैपटॉप के अंदर आप जो चाहे वो सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, चला सकते हैं। इवन आप विंडोज के अंदर एक एंड्रॉयड ऐप को भी रन कर सकते हैं, ब्लू स्टेक्स नामक एक सॉफ्टवेयर आता है, उससे आप कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपने विंडोज लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो यहां पर सॉफ्टवेयर के मामले या फिर सॉफ्टवेयर फ्रीडम के मामले में लैपटॉप डायरेक्ट जीत जाता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। काफी सारे काम होते हैं जो विंडोज पर ही होते हैं, आप उनको एंड्रॉयड में नहीं कर सकते। लैपटॉप के अंदर दोस्तों आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मिल रही है, स्टोरेज बहुत ज्यादा मिल रही है और प्राइस भी आपको लैपटॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर आप कोई भी एवरेज लैपटॉप लेने जाओगे तो अब आपको आराम से 30-40 हज़ार रुपये डालने पड़ेंगे, तब ही आप एक अच्छी खासी मतलब एवरेज परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप ले पाओगे। टैबलेट्स आप आराम से 15 से 20 हज़ार के बजट के अंदर एक अच्छी टैबलेट परचेज कर सकते हैं, अच्छे डिस्प्ले के साथ, अच्छे प्रोसेसर के साथ। तो यहाँ पर जो प्राइस का डिफरेंस है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में प्राइस का डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाए, बिकॉज आजकल कम बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छी सी टैब्स
आ रही है। अब बताया कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर आपको टैबलेट लेना चाहिए। जिनको लैपटॉप लेना है वो डायरेक्टली लैपटॉप ले लेंगे, उनका काम कभी भी टैब से नहीं होगा, बिकॉज जिनको लैपटॉप चाहिए उनको विंडोज चाहिए। अब जिनको विंडोज चाहिए, विंडो वाला काम कभी भी टैब के अंदर नहीं हो सकता है एंड्रॉइड के अंदर, सो वो डायरेक्टली विंडो को ही पिक करेंगे, यानी कि लैपटॉप को ही लेंगे। वही दोस्तों, अगर आपको कुछ मूवीज या फिर मल्टी मीडिया कंजप्शन के लिए कुछ भी मशीन चाहिए तब आप आराम से टैब की तरफ जा सकते हैं। बड़े ही पोर्टेबिलिटी के साथ बड़े ही आसानी से आप मल्टीमीडिया कंज्यूम कर पाओगे। वहीं पर दोस्तों, आजकल काफी सारे गेमिंग लैपटॉप्स भी आते हैं, नो डाउट गेमिंग लैपटॉप्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन गेमिंग के लिए अगर आपको कोई मशीन चाहिए तब मैं आपको प्रेफर करूंगा आप डेस्कटॉप लीजिए, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा स्पेस होता है और ज्यादा अच्छे से कूलिंग हो पाती है। लैपटॉप के अंदर काफी टाइट स्पेस होता है, आप इतनी अच्छे से गेमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आपको पोर्टेबिलिटी के साथ गेमिंग भी चाहिए तब आप लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं। ये थे दोस्तों कुछ पॉइंट्स से, और फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो कभी भी एक लैपटॉप एक टैबलेट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और एक टैबलेट लैपटॉप को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड एंड विंडोज डिफरेंस। आपको इन दोनों मशीन में से कौन सी मशीन ज्यादा पसंद है, टैबलेट या फिर लैपटॉप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अपना वीडियो पसंद आया है अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा अभी तक। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।